चैनल कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है, इस तरीके का वीडियो मैंने अपने चैनल पर कभी भी नहीं बनाया है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ डेनिम हॉल। आप लोग को वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा। एंड व्हाई दिस डेनिम हॉल इज़ सो यूनिक एंड सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच, बिकॉज आज वाला जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग से एंड अफोर्डेबल डेनिम्स। एंड उसके साथ साथ ये डेनिम्स जो हैं ये सारे के सारे बहुत ही लाइक स्टाइलिश हैं एंड उसके साथ साथ ये मस्ट है डेनिम्स एंड एवरीबडीज वार्डरोब। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपके चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज़ राखी, आई मेक वीडियोस अबाउट मेकअप, फैशन, फोटोग्राफी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो डेनिम हॉल है ये बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है, और सारे के सारे जो डेनिम है वो मैंने अंडर 1000 रुपीज़ खरीदे हैं। एंड अंडर 1000 रुपीज़ होने के बावजूद भी ये सारे के सारे डेनिम बहुत ही स्टाइलिश हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं एंड बहुत ही लाइक अप टू द मार्क डेनिम्स आई हैं। जो पहला डेनिम है वो है फ्रॉम द ब्रांड स्ट्रीट 9 इन द साइज 26। इसका जो डेनिम है, ये वाला जो डेनिम है, ये मिड राइज डेनिम है, बट मुझे ये एग्जैक्टली मिड राइज वाला फिटिंग नहीं देता है, ये मुझे थोड़ा सा हाई राइज वाला ही फिटिंग देता है। इसमें सामने की तरफ यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा डिस्ट्रेस्ड है एंड नीज के पास इस तरीके से स्लैश वाली डिटेलिंग है, कट वाली डिटेलिंग है एंड इसके साइड में भी लाइक बॉटम में भी इस तरीके से पूरा डेनिम इस तरीके से कट है। इसका जो फिटिंग है वो बहुत ही फ्लेयर वाला फिटिंग आता है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है। इसका जो कपड़ा है वो 96% कॉटन है एंड 4% इलास्टेन है, विच मीन्स ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, गर्मी में आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा एंड इसका फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस, मैं जब भी कोई डेनिम खरीदती हूँ आई मेक श्योर कि उसमें 90% से प्लस कॉटन हो, बिकॉज 90% प्लस कॉटन वाली डेनिम्स जो होती हैं बहुत ही कम्फर्टेबल होती हैं, आपकी स्किन पर बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती हैं और उसके साथ सबसे जो फिटिंग है वो लॉन्ग रन में ख़राब नहीं होता है। लाइक अगर आपकी डेनिम में इलास्टिक बहुत ज़्यादा है तो वो स्ट्रेचेबल हो जाएगी एंड स्ट्रेच होते होते वो डेनिम का जो फिटिंग है वो एकदम ख़राब होने लगता है। तो मेक श्योर आप जब भी डेनिम खरीद रहे हैं तो उसके डिटेल्स में जाके चेक करें कि उसमें कॉटन कितना है, जितना ज़्यादा कॉटन उतनी ज़्यादा अच्छी डेनिम होती है। सो या दिस वॉज द यू नो दिस इज द फीडबैक फॉर दिस डेनिम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आपको कैसी लगी है। Moving on to another denim, we have one more blue denim. In fact, we have got 3 blue denims in this haul. Because जो blue color होता है वो बहुत ही versatile होता है and कभी भी out of fashion नहीं होता है, आप इसको किसी भी color के साथ pair कर सकते हैं। That is the reason मैंने video के beginning में बोला था कि ये वाला जो video है इसमें like must have denims हैं। तो second denim है, this is by the brand Roadster, ये उनका high rise denim है and इसमें जो इसकी जो मैंने वेस्ट ऑर्डर किया वो अगेन 26 ऑर्डर किया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट माय साइज इज़। सामने की तरफ इसमें यहाँ पर इस तरीके से 3 पॉकेट हैं जो हर किसी डेनिम में होती है, उसके साथ साथ बैक में भी इस तरीके से 2 पॉकेट्स हैं। एंड जो यूनिक फीचर है इस डेनिम के बारे में वो है ये 2 पॉकेट्स, एक छोटा पॉकेट है एंड एक बड़ा पॉकेट है, जो कि इस डेनिम को बहुत ही स्टाइलिश बनाता है। एंड उसके साथ साथ इसके बॉटम में इस तरीके से जो डिस्ट्रेस्ड वाला डिटेल होता है वो वाला डिटेल है, जो कि बिल्कुल भी रफ नहीं लगता है, बहुत ही क्लीन लुक वाला इसकी डिटेलिंग, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। एंड उसके साथ साथ इसका जो कपड़ा है वो 98.5% कॉटन है, इसमें सिर्फ 1.5% इलास्टिन यूज़ किया गया है, विच मीन्स इसका जो फिटिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा फेडेड जो ब्लू होता है वो वाला कलर है। इसका फिट, इसका कलर, इसका कंफर्ट, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेनिम, वी हैव वन मोर डेनिम फ्रॉम द सेम ब्रांड रोडस्टर। जो ये वाला डेनिम है इसका जो यूनिक फीचर है वो है इसका वेस्ट लाइन। इसका जो वेस्ट है वो इस तरीके से जो पेपर बैग वाला वेस्ट होता है वो वाला वेस्ट है। इस तरीके की डेनिम्स आपको ज़ारा या फिर किसी भी बड़े ब्रांड पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, लाइक 2500 से 3000 के बीच की मिलती है एंड इनफैक्ट कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा की मिलती है। बट मुझे ये मिंत्रा पे रोडस्टर का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का मिला है। इसका जो प्राइस वो मैं यहाँ पर डालूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट। इसका जो वेस्ट साइज है वो अगेन मैंने 26 ऑर्डर किया है एंड ये हाई राइज डेनिम है, विच मीन्स इसका जो फिटिंग है, इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। एंड इसका जो जो बॉटम है वो नैरो बॉटम है एंड ऊपर से इस तरीके से पेपर बैग वाली इसकी डिटेलिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। एंड गाइस, इसका जो कपड़ा है वो 98% कॉटन है एंड इसमें सिर्फ 2% इलास्टेन है, विच अगेन मीन्स ये बहुत ही कम्फर्टेबल, स्टाइलिश एंड बहुत ही ज़्यादा जैसे ऐसे लुकिंग वाली जो डेनिम होती है उस तरीके का ये फिटिंग देता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आपको ये कैसा लगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर डेनिम विच इज़ इन अ ब्लैक कलर। ये वाला जो डेनिम है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। दिस इज़ बाय द ब्रांड, लेट मी चेक द ब्रांड,
दिस इज बाय द ब्रांड हियर एंड नाउ. एंड इसको जब मैंने मॉडल के ऊपर देखा था, आई वाज लाइक आई हैव टू गेट दिस वन, बिकॉज उसके जो लेग्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ऐसे आँखों को अपीलिंग करने वाले दिख रहे हैं. सो आई गॉट दिस डेनिम. इसका जो फिटिंग है वो इस तरीके से पूरा हाई राइज वाला इसका फिटिंग है. एंड नीचे की तरफ इसमें इस तरीके से बेल बॉटम वाली डिटेल है जो कि आपकी लेग्स को बहुत ही ज़्यादा लंबा दिखाती है. इसका जो कपड़ा है वो 98% कॉटन है. एंड इसमें भी अगेन सिर्फ 2% इलास्टिन उन्होंने यूज़ किया है, विच मेक्स इट वेरी वेरी कम्फर्टेबल एंड स्टाइलिश एज वेल. एंड इसका जो फिटिंग है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आपको इसका फिटिंग कैसा लगा है. इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस डेनिम देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली चेक इट. नाउ मूविंग ऑन टू दी टू डेनिम्स. जो ये वाला डेनिम है ये मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया है. दिस इज़ बाय द ब्रांड SFRS. इसको मैंने सिर्फ इसके कलर की वजह से मंगाया था, बिकॉज मेरे पास कोई भी ग्रीन कलर का डेनिम नहीं था. सो आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस वन, बट इसका जो फिटिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है. इसका जो कपड़ा है, लेट मी चेक इसका जो कपड़ा है वो कौन सा कपड़ा, लेट मी चेक वेट अ लिटिल लेटर. इसका जो कपड़ा है वो 96% कॉटन एंड 4% स्पेंडेक्स है. इसका जो कपड़ा है वो मुझे लाइक ऐसे कॉज इसमें कॉटन बहुत ज़्यादा, आई वाज लाइक ये अच्छा ही आएगा. बट ये जो लुक है इसका, जो डेनिम का जो लुक है वो सामने से देखने में काफ़ी ज़्यादा चीप लगता है. कैमरे पे ये फिर भी अच्छा लग रहा है, बट सामने से देखने में ये काफ़ी ज़्यादा चीप लगता है. इसमें बैक में इस तरीके से इलास्टिक बैंड है एंड दो पॉकेट्स भी हैं. एंड ये जो पॉकेट्स हैं ये फेक पॉकेट्स हैं, ये एक्चुअल में पॉकेट्स नहीं है, सिर्फ लुक के लिए भी हैं. एंड सामने की तरफ इसमें यहाँ पर ऐसे दो बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, जिसकी वजह से ही मैंने इसको लिया था, कॉज ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था. बट गाइज, ये सिर्फ देखने में स्टाइलिश है, ये एक्चुअल में जब आप इसको पहनेंगे तो ये काफ़ी चीप लुक देता है. सो दैट इज़ द रीज़न आई विल हैव टू रिटर्न दिस वन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ट्राउजर ऑफ दिस हॉल. ये एक्चुअल में डेनिम नहीं है, ये एक ट्राउजर है. इसको मैंने इसके कलर की वजह से खरीदा था, बिकॉज इस टाइम पे जो लाइलैक कलर है, इस तरीके के जो पेस्टल कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन है. सो आई ऑर्डर दिस ट्राउज़र. इसका जो सामने की तरफ है इसमें यहाँ पे इस तरीके से एक बटन है, एंड पीछे की तरफ इसमें एक इलास्टिक बैंड दिया हुआ है जो कि इसका जो फिटिंग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है. इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किया है. इसका जो कपड़ा है वो 100% कॉटन का है, बट इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है. तो आई एम नॉट श्योर एक दो वॉश के बाद ये कैसा रहेगा, बट आई एम गोना कीप इट कॉज इसका कलर, इसका फिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. दीज आर ऑल द डेनिम्स आई हैव ऑर्डर, जिसमें से मुझे ग्रीन वाली रिटर्न करनी पड़ेगी. एंड अगर आपके इनमें से कोई भी डेनिम चाहिए तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट. तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है एंड आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इन डेनिम्स के बारे में पता चल सके. And I will see you in my next one. Till then, bye. Take care. Bye.